न्यूज़ आप सभी ने सुनी होगी कि पुलिस भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस मनोज गर्ग के द्वारा इस भर्ती पर रोक लगा दी गई है, और इस तरह का वीडियो आपने देखा होगा। कई विद्यार्थियों के मुझे कमेंट्स भी इस चीज़ को लेकर मिले हैं कि ये न्यूज़ सही है या गलत है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस न्यूज़ में ये न्यूज़ सही है या गलत है, और आगे इस वीडियो में मैं आपको रीज़न भी देने वाला हूँ कि मैं किस आधार पर ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, ये फर्जी न्यूज़ है। ऐसी कोई भी न्यूज़ डिपार्टमेंट या किसी के भी द्वारा ऐसी न्यूज़ अभी तक सामने नहीं आई है कि पुलिस भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। अब उस वीडियो की हम बात करते हैं जिसको आपने देखी, ये पुलिस भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। तो ये स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। इस तरह का ये वीडियो आपने देखा होगा, भास्कर न्यूज़ चैनल के नाम से ये वीडियो देखा होगा, और जिसमें आपने यही देखा होगा जस्टिस मनोज गर्ग ने पुलिस भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। तो सबसे पहले मैं ये इस वीडियो के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस वीडियो का टाइम आप नोट करें, 8:07 पर ये वीडियो न्यूज़ चैनल पर आया। मान लेते हैं ये कोई न्यूज़ चैनल है जिस पर ये न्यूज़ दिखाई गई है, तो टाइम आप देख सकते हैं 8:07। तो सबसे पहली बात मुझे आप ये बताएं कि 8:07 पर कौन सा कोर्ट खुलता है राजस्थान में। चलो फिर भी एक बार हम मान लेते हैं कि चलो 8:07 पर ये न्यूज़ आती है, तो राजस्थान के जो बाकी के जो न्यूज़ चैनल हैं, जैसे कि जो ऑथेंटिक जो विश्वसनीय न्यूज़ चैनल हैं, जैसे कि ETV राजस्थान और इसी तरह से जी राजस्थान न्यूज़, ये राजस्थान के ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल माने जाते हैं, तो क्या ये न्यूज़ चैनल दिन भर से क्या सो रहे हैं? इनके पास ये न्यूज़ अभी तक नहीं आई है, इनकी तरफ से इस बारे में कोई अपडेट अभी तक नहीं मिला है, और इस न्यूज़ चैनल के अलावा कहीं से ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आई है कि इस तरह से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भर्ती प्रक्रिया पर ऐसे रोकी क्योंकि राजस्थान पुलिस ने हाईकोर्ट में पहले से कैवियट दायर कर रखी है। कैवियट दायर करने का मतलब होता है कि किसी भी पक्ष को सुने बिना किसी भी चीज़ पर भर्ती पर रोक नहीं लगा सके, तो डायरेक्टली ऐसे भर्ती पर रोक नहीं लग सकती। पुलिस डिपार्टमेंट को एक बार बोलने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद अगर कोर्ट अगर उचित समझता है तो ही उसके बाद भर्ती पर रोक लग सकती है। ऐसे दोस्तों रोक नहीं लग सकती। और दो तीन बातें मैंने आपको इस वीडियो में बोली है, न्यूज़ का आप टाइम देखिए, 8:07 पर ये न्यूज़ आती है, तो पूरे दिन भर में जो बाकी के न्यूज़ चैनल हैं उनकी तरफ से इस बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं से ETV राजस्थान या जी राजस्थान न्यूज़ पर इस तरह की न्यूज़ देखने को ज़रूर मिलती। और अगर ये न्यूज़ मॉर्निंग में आती है तो ये एक दिन पहले की न्यूज़ है, आज के पेपर में भी इससे इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के वीडियो को देखकर आप भ्रमित ना हो। YouTube पे भी मैंने इस तरह के कई वीडियोस देखे हैं जो कई चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये सब वीडियोस को आप हटाइए, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। समय आपके पास कम है, बहुत कम समय है। 14 व 15 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और इस तरह की अब कोई भी गलती नहीं होने वाली, तो आप इन न्यूज़ पर ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें, अच्छे सा एग्ज़ाम की आप अपनी तैयारी करें।